तो हम लगातार राजस्थान चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम रोज अपने इस कार्यक्रम में एक जिले पर चर्चा करते हैं। आज बारी है सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर रणथंभौर के दुर्ग के लिए मशहूर है। यहाँ विधानसभा की 4 सीटें हैं, 3 पे कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय का कब्जा है। टोंक से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया है। सवाई माधोपुर के गंगापुर में सबसे ज़्यादा और बावनवास में सबसे कम वोट हैं। हमारे अपने सहयोगी बजरंग सिंह के पास चलते हैं। बजरंग सिंह, इस बार बताइए हवा किस तरफ बह रही है, राजनीतिक तापमान क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, अगर सवाई माधोपुर की बात की जाए तो सवाई माधोपुर में 4 विधानसभा सीट है, और अगर पिछले 2018 के चुनाव की बात की जाए तो 2018 के चुनाव में 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। वहीं अगर गंगापुर सिटी में निर्दलीय प्रत्याशी रामकेश मीणा चुनाव जीते थे, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में चुनाव चल रहा है, जो कांग्रेस है उनने अपने जो पुराने चेहरे उन्हीं को रिपीट किया है। वहीं अगर सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरणलाल मीणा को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं जो मुख्यमंत्री सलाहकार और सवाई माधोपुर विधायक दानिश अब्रार है, कांग्रेस ने दानिश अब्रार को इस बार चुनाव में उतारा है। तो सवाई माधोपुर सीट पर इस बार त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा से जो निर्दलीय प्रत्याशी है आशा मीणा, वो भाजपा से बगावत करके और निर्दलीय मैदान में उतरी है। तो सवाई माधोपुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी जी बजरंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी चर्चा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, NDTV के राजस्थान चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।